हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सेलेंस। आज की इस वीडियो में हम जो हैं जून 10 के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन देने का अनाउंसमेंट किया है। हमारे ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन देगी। अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो 1.89 लाख जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स है और यहाँ पे 4 लाख वर्कर्स हैं जो यहाँ काम करते हैं। तो स्मार्टफोन देने से जो है जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की आती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में जो है वो हेल्प होगी। उसके अलावा जो है सीएम योगी ने जो है एक और स्कीम को लॉन्च किया है, दैट इज मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड में अपने पेरेंट्स को खो दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये एक नॉर्थ इंडियन स्टेट है। यहाँ की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वो योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर जो है वो है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश जो है वो 9 अदर स्टेट को जो है टच करता है। अगर आप देखें तो उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश जो है वो इसके नॉर्थ वेस्ट पे आते हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान वेस्ट में, मध्य प्रदेश साउथ में, छत्तीसगढ़ जो है वो साउथ ईस्ट में एंड बिहार एंड झारखंड ईस्ट में। ऑल्सो उत्तर प्रदेश जो है वो नेपाल के साथ जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी कल्चर और ट्रेडिशन के लिए बहुत माना जाता है। यहाँ पे आप अयोध्या और मथुरा जैसे जो मंदिर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ताजमहल जो है वो भी यही है। ताजमहल को जो है 1 of the new 7 wonders of the world बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है लॉन्च किया है ताकि जॉब्स को प्रमोट किया जा सके। हमारे ऑप्शंस हैं हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केरला। केरला गवर्नमेंट ने जो है केरला नॉलेज मिशन को लॉन्च किया है ताकि स्टेट की जो नॉलेज इकोनॉमी है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके। और इस मिशन को जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। इस मिशन का जो एम है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना और जॉब्स के ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान देना। केरला जो है वो अपने पाम लाइन बीचेस एंड बैक वाटर्स के लिए जो है बहुत फेमस है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप वेस्टर्न घाट माउंटेन्स को यहाँ देख सकते हैं। और केरला जो है स्पाइसेस प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आप टी कॉफी की भी जो है वो प्लांटेशन देख सकते हैं। यहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं वो भी काफी फेमस है। यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है विजयन एंड यहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमस राइटर डॉक्टर लक्ष्मी नंदन बोरा जो है उनकी अभी मृत्यु हुई है हाल ही में, तो वो किस लैंग्वेज के राइटर थे। हमारे ऑप्शंस हैं उर्दू, संस्कृत, असामी एंड पंजाबी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि वो राइटर थे असमी लैंग्वेज के और वो अपनी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज के लिए बहुत फेमस थे। अगर डॉक्टर लक्ष्मी के बारे में देखें तो उनका जो जन्म है वो असम में हुआ था। वो ऐसे फर्स्ट पर्सन है जिनको डॉक्टरल डिग्री गई थी मेट्रोलॉजी बाय द यूनिवर्सिटी। और उन्होंने जो है वो बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है। उनकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी जो थी वो थी भौना, जो की 1954 में लिखी गई थी। और ये जो हैं बहुत सारे अवार्ड्स के रिसीवर हैं। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। इनको 2015 में जो है वो पद्मश्री भी मिला था और इनको जो है 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का क्या थीम है। ऑप्शन है सेफ फूड टूडे फॉर अ हेल्थी टुमारो, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, रिस्टोर आर अर्थ, फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि इस साल का थीम है सेफ फूड टूडे फॉर अ हेल्थी टुमारो एंड 2020 का था फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको जो है बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में इलेक्ट किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं दिलीप राज, डॉक्टर आर एस सोधी, वर्षा जोशी एंड नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर आर एस सोधी। उनको जो है वो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में जो है वो इंक्लूड किया गया है और आर एस सोधी जो है वो अमूल से है। तो चलिए अब पिछले क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। वर्ल्ड बेस्ट डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो 6 जून को हर साल जो है वो वर्ल्ड बेस्ट डे मनाया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों में ये अवेयरनेस ला सकें कि जो पेस्ट कंट्रोल है उससे हमें क्या फायदे हो सकते हैं, हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो कैसे प्रिजर्व हो सकती है। हमारा आज का क्वेश्चन है कि इंडिया के किस इंस्टीट्यूट ने जो है वो टॉप किया है अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इस रैंकिंग में इंडिया के किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है आपको ये बताना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।